दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि टीवी इंडस्ट्री में कई अभिनेत्रियों ने बेहद ही कम समय में काफ़ी ज़्यादा सफलता हासिल कर ली है। जी हाँ, जैसे अभिनेत्री श्रुति झा और अभिनेत्री निहारिका रॉय को ही देख लीजिए, जिन्होंने टीवी इंडस्ट्री में कई सुपरहिट सीरियल दिए हैं और खुद को पॉपुलैरिटी दिलाने के साथ साथ अमीरी के मामले में भी काफ़ी आगे पहुँचाया है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इन दोनों अभिनेत्रियों में से कौन है ज़्यादा अमीर और किसके है ज़्यादा फैन? नहीं जानते तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इन दोनों ही अभिनेत्रियों के बीच में कंपैरिजन करके बताएंगे कि इन दोनों अभिनेत्रियों में से कौन है ज़्यादा अमीर और किसके है ज़्यादा फैन। पर उससे पहले आप इन दोनों ही अभिनेत्रियों के लिए हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सबसे पहले बात करते हैं अभिनेत्री श्रुति झा के बारे में। तो आपको बता दें, अभिनेत्री श्रुति झा ने टीवी इंडस्ट्री में जिया जिले, दिल से दी दुआ, सौभाग्यवती भवा और रक्त संबंध जैसे कई सुपरहिट सीरियल दिए हैं और इन सीरियल में काम करने के लिए ये पर एपिसोड 95,000 रुपये चार्ज करती है, जिसकी वजह से आज खुद की काबिलियत और मेहनत की वजह से आज ये 27 करोड़ रुपए की इकलौती मालकिन बन चुकी है और इसका एक बड़ा हिस्सा इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी में खर्च किया हुआ है। जी हाँ, इन्होंने मुंबई के लोखंडवाला में 3 करोड़ का आलीशान बंगला खरीदा है और इन्होंने अपने इस बंगले को बड़े बड़े वॉलपेपर, पोस्टर और तांबे की मूर्तियों से सजाया हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि इन्होंने अपने घर के बाहर की खूबसूरती में भी कुछ कमी नहीं छोड़ी है। वहीं जब ये इतनी ज़्यादा अमीर हैं ही तो ये काफ़ी आलीशान जिंदगी जीती हैं। जी हाँ, इनके पास कई तरह के वेस्टर्न से लेकर ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं जो कि काफ़ी ब्रांडेड कंपनी के होते हैं, जिसकी कीमत 15 से ऊपर ही होती है और इनका फुटवेयर कलेक्शन भी देखने लायक होता है, जिसमें इनके पर पेयर फुटवेयर की कीमत 25,000 की कीमत भी पार कर जाती है। साथ ही आपको बता दें कि ये अपने लुक्स को कम्प्लीट करने के लिए काफ़ी ब्रांडेड मेकअप का भी यूज़ करती है, तभी तो अभिनेत्री श्रुति झा इतनी ज़्यादा खूबसूरत और गॉर्जियस नज़र आती हैं। वहीं इनकी आलीशान जिंदगी में 4 चांद लगाता है इनकी आलीशान गाड़ियाँ। जी हाँ, इनके पास ऑडी 5 और मर्सिडीज़ बेंज GLC जैसी कई महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं। अगर बात करें इनकी फ़ैन फॉलोइंग के बारे में तो आपको बता दें कि श्रुति झा की इंस्टाग्राम पर 2 मिलियन फ़ैन फॉलोइंग है। अब बात करते हैं अभिनेत्री निहारिका रॉय के बारे में, जो कि बहुत जल्द राधा मोहन सीरियल में राधा के किरदार को निभाती हुई नज़र आने वाली है। और आपको बता दें कि इन्होंने टीवी इंडस्ट्री में 13 यार हूँ मैं और भारत का वीर पुत्र, महाराणा प्रताप जैसे कई सुपरहिट सीरियल देने के साथ साथ अपनी मेहनत और काबिलियत की वजह से आज ये 2 करोड़ की संपत्ति बना ली है और ये पर एपिसोड सीरियल में काम करने के लिए 50,000 रुपये चार्ज करती है और इस पैसे का एक बड़ा हिस्सा इन्होंने अपने इस घर पर खर्च किया हुआ है, जिसकी वजह से इन्होंने मुंबई के कल्याण में 1 करोड़ का आलीशान 2 BHK का फ्लैट खरीदा है और इन्होंने अपने इस फ्लैट को पेंटिंग्स और वॉलपेपर से सजाया हुआ है। साथ ही आपको बता दें, इनके घर की बालकनी में रंग बिरंगे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, जो कि इनके फ्लैट में 4 चांद लगा देता है। वहीं आपको बता दें कि अभिनेत्री निहारिका रॉय काफ़ी ज़्यादा लग्जीरियस और आलीशान जिंदगी भी जीना पसंद करती है और इनके पास कई तरह के ट्रेडिशनल से लेकर वेस्टर्न और फैशनेबल ड्रेसेस होते हैं, जिसकी कीमत 1,000 में होती है। जी हाँ, निहारिका रॉय काफ़ी ब्रांडेड कपड़े कैरी करती है जो कि 1,000 की कीमत रखते हैं और ये अपनी अदर चीज़ों पर भी काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करती है। वहीं इनकी आलीशान जिंदगी में 4 चांद लगाती है इनकी आलीशान गाड़ियाँ, जो महिंद्रा थार और अमेज होंडा जैसी गाड़ियों की इकलौती मालकिन है। वहीं अगर बात करें निहारिका रॉय की फ़ैन फॉलोइंग के बारे में तो आपको बता दें कि इनके इंस्टाग्राम पर 88,000 फ़ैन फॉलोइंग है। वेल, इस बात से तो आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि इन दोनों अभिनेत्रियों में से कौन है ज़्यादा अमीर और किसकी है ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग। तो जाहिर सी बात है कि वो अभिनेत्री श्रुति झा है, जिनके पास निहारिका रॉय से काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी है। साथ ही निहारिका रॉय से ज़्यादा आलीशान जिंदगी जीना पसंद करती है और निहारिका रॉय की फ़ैन फॉलोइंग भी श्रुति झा से कम ही है। तो दोस्तों, निहारिका रॉय और अभिनेत्री श्रुति झा में से आपको किस अभिनेत्री की एक्टिंग सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही और तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।